अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। PS88 के नताइश ने सिलेक्टेड और सिलेक्टर दोनों को परेशान कर दिया। बिलावल भुट्टो का गडाब में जियालों से खिताब। इलेक्शन में कामयाबी पर यूसुफ मुर्तजा बलोच को मुबारकबाद। कहा जियालों ने बनी गाला वालों की नींदें हराम कर दी हैं। हुकूमत के खिलाफ हर मैदान में खड़े हैं। सैनेट इलेक्शन में भी हुकूमत को शिकस्त देंगे। हुकूमत हर इदारे को मुतनाजा बना रही है। इमरान खान को मालूम है कि हुकूमत जा रही है। सैनेट में किसी को धांधली नहीं करने देंगे। अगर हमारी 2015 की बात मान ली जाती तो खरीदो फरोख्त ना होती। मामले खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजी में नवाज शरीफ ने खुद कहा कि सैनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड की हिमायत की। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि वोट काबिले शनाख्त होना चाहिए। PTI कायदे ऐवान शहजाद वसीम कहते हैं, जब भी सैनेट का इंतखाब होता है तो शोर गुल मच जाता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। सुप्रीम कोर्ट में सैनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। क्या इलेक्शन कमीशन ने सैनेट वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने वोटर्स के लिए बनाए जाने वाला हिदायतनामा तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस की समाअत कल फिर होगी। बड़े ऐवान के लिए बड़ी दौड़। विफाक और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में सैनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी जारी। PGM तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की भरपूर पंजा आजमाई की तैयारी। पीपल्स पार्टी के वकला की इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी अहलकारों ने रोक दिया। फैसल वाडा के साथ इतने लोगों को जाने दिया गया, हमें भी इजाजत दी जाए। वकला और सिक्योरिटी अहलकारों के दरमियान धक्कम पील। जियालों की इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने सैनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए जाब्ता इखलाक का मुसविदा तैयार कर लिया। मुसविदे के मुताबिक किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसी बात से भी इज्तनाब किया जाए जिससे अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान हो। उम्मीदवारों के लिए हल्फनामे का मुसविदा भी तैयार। मैंने पार्टी टिकट के लिए सियासी जमात को कोई रकम नहीं दी। हल्फनामे का मतन। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्त मुस्तरद। पोलिंग अफसर इरम बट के कागजात की तस्दीक के लिए CIA सेंटर आमद। हलीम आदिल शेख सेनेट इलेक्शन में इरम बट के तायद कुनंदा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जंगलात की बहाली के लिए पॉलिसी मुरतब करके पेश करने की हिदायत। जंगलात के तहफ़ और बहाली के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को छांगा मांगा और दीगर जंगलात की बहाली के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दरख्तों की कटाई की रोकथाम के लिए इकदाम यकीनी बनाएं। कोह पेमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। वालिद का मिशन आगे बढ़ाने का अज़्म। सूबाई हुकूमत का अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाजात देने का ऐलान। नोन लीग रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस्लामाबाद के F11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। कराची के इलाके गार्डन में खातून समेत 4 टिकटॉकर के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने एक और खातून टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा सवेरा पार्क कॉलोनी की रिहायशी और वारदात से कबल मुस्कान से लड़ाई हुई थी और सवेरा ने ही फोन करके मुलजिम रहमान को बुलाया था। भारतीय हुकूमत का सिखों को पाकिस्तान आने की इजाजत ना देने पर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शदीद एहतजाज। प्रधान सतुनत सिंह कहते हैं, भारत हमेशा सिखों पर जुल्म करता आया है। भारतीय हठधर्मी पर आलमी फोरम पर आवाज उठाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को बस 2 दिन की दूरी। 6 टीमों ने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए। बैटिंग बॉलिंग की मशकें प्रैक्टिस मैचेस। कराची किंग की टीम एजाज का दिफा करेगी। छक्कों की बरसात और चौकों की बहार, देखने के लिए शायकीन बेकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के 4th रोज कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 33 पैसे की कमी हुई है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में मजीद 100 रुपए की कमी हुई। फी तोला सोने की कीमत में 100 रुपए की कमी, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत
110,200 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 86 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 94,478 रुपए का हो गया। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bchn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर bchn.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।